नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नागपंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा काशी मैरिज गार्डन में नागपंचमी और चौरसिया दिवस का कार्यक्रम मनाया। इस अवसर पर चौरसिया समाज ने भोले बाबा की एवं उनके कुल देवता नाग देवता की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इसके बाद समाज के उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट नंबर अर्जित किए। कार्यक्रम में नगर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में चौरसिया समाज के बुजुर्गों का भी सम्मान किया गया। नागपंचमी में चौरसिया दिवस के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद हुए और समाज के अध्यक्ष राजेंद्र चौरसिया द्वारा सभी का स्वागत किया गया और कार्यक्रम का संचालन पत्रकार रवि चौरसिया ने किया। जुट गए तो आज मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ यहाँ कि जो नाग देवता की जो हमारे हमारे जन्मदाता रहे हैं, मतलब चौरसिया समाज की जो उत्पत्ति की बात यदि कही जाती है तो यही कहा जाता है कि पान जो है, पान हमेशा पूजाओं में, हवन में, यज्ञ में पान का उपयोग होता था, पान का प्रयोग होता था। और युगों पूर्व जो है, जब पान की आवश्यकता महसूस की गई तो वो पाताल लोक में जाकर पान मिला, और पाताल लोक में पान लेने जाने के लिए किसी की क्षमता नहीं थी। हमारे चौरसी मुनि जो है वो पाताल लोक में पान लेने गए और वहाँ पर जो नागलोक था, नागलोक के देवता ने उनके साथ नाग कन्या का विवाह किया और उस पर आए और फिर हमारी चौरसी समाज की उत्पत्ति हुई। तो चौरसी समाज की उत्पत्ति में हम लोगों के बीच में ब्राह्मणों के भी गुण मिलेंगे, चौरसी समाज के अंदर में क्षत्रिय के गुण भी मिलेंगे, राजपूतों के गुण भी मिलेंगे, और हम लोग चौरसी समाज के लोग बहुत विनम्र, सहज और सरल हृदय के स्वभावी रहते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आप...